से आप कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं, वैसे तो हमारे पास कई प्रकार की मशीनें होती हैं, बट आज एक ऐसी मशीन लेकर आए हैं जिसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्रकार की चीज़ें एक ही मशीन में बना सकते हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि मशीन एक काम करे, इसमें एक ही मशीन में आपके कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल्स बन जाएंगे। तो ये है हमारी हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर मशीन डबल डाई वाली, ये हमारे हाइड्रोलिक वाला ऑल इन वन डबल डाई वाला है। इसमें आप देख सकते हैं दो डाई लगता है। अगर आपको यहाँ पे डोना पत्थर बनाना है, डोना पत्थर बन जाएगा। चप्पल बनानी है, चप्पल बन जाएगा, चप्पल का डाई आपका यहाँ लगता है। जूना पैक करना हो तो जूना पैक वाला भी आपका इससे लग जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं बटन सिस्टम है सारा, ऑटोमेटिक मशीन है, बटन सिस्टम है, आपको बस बटन से स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा वो वर्किंग ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार रोल वाला है, इसमें आप आठ रोल भी लगाना चाहें तो आप आठ रोल लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका और दो स्टैंड लग जाएंगे तो ये आपका आठ रोल वाला मशीन बन जाएगा, जिसमें एक ही मशीन में आपके एक टाइम पे आठ डिजाइन के डोने निकल आएंगे। आपका डोना पत्थर तो बन ही जाता है 3 से लेकर 14 इंच तक का, बाकी चप्पल भी बन जाती है। चप्पल में जैसे आपकी हवाई चप्पल हो गई तो वो भी आपकी इसी मशीन में बन जाएगी। आपको बस शेड लगानी होती है और वो डाई लगाना होता है, आपका इसमें सोल कटिंग होकर निकल आएगा। बाकी तीसरा होता है जैसे हम स्क्रबर पैक करते हैं, जो जूना होता है स्टेनलेस स्टील वाला, वो पैकिंग करना होता है, वो आपका पैक हो जाएगा। जो ग्रीन पैड वाला जूना होता है ग्रीन वाला, वो भी आपका स्क्रबर, वो भी पैक हो जाएगा इस एक ही मशीन में। तो आप एक ही बता दिया। बाकी अब बात आती है इसके रॉ मटेरियल की, तो आपको तीनों ही आइटम्स का रॉ मटेरियल भी हमारे पास मिल जाएगा। जैसे कि डोना पत्थर का होगा तो उसमें रोल होता है, वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगा। चप्पल के लिए शीट्स होती है, फ्रेम होता है, स्ट्रैपिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे पास मिल जाएंगी। और अगर स्क्रबर में देखा जाए तो स्क्रबर में आपका जूना होगा, जो पैकिंग वाला जूना स्क्रबर होता है वो होता है, ब्लिस्टर होता है, डाई होती है, उस सारी चीज़ें आपको हमारे ही पास मिल जाएगी। बट अगर आप बिहार, पंजाब या भोपाल कहीं से भी हैं तो हम आपको आपके नज़दीक में ही प्रोवाइड करा देंगे सारा मटेरियल, आपको दिल्ली से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए मशीन तो आप एक बार उठाएंगे बट मटेरियल आपको बार बार चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए। तो आप मटेरियल के लिए आपके नियरेस्ट में हम कॉन्टैक्ट, मशीनों की जानकारी दे दी हमने आपको, रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया। अब बात आती है सर्विसिंग की, जैसे कस्टमर्स होते हैं वो नए होते हैं, उनको मशीन के बारे में नहीं पता होती कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी ट्रेनिंग हमारी तरफ से मिल जाएगी। जैसे कि आपका मशीन चला गया तो उसके 48 घंटे बाद हमारा इंजीनियर जाता है, आपका मशीन सेट कर देंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे पूरे 2 से 3 दिन। वो चार्जेस सही होते हैं, बस इंजीनियर का आने जाने का खर्चा देना होता है, दैट तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ट्रेनिंग आपको फुल हमारी तरफ से मिल जाएगी, फुल सपोर्ट मिल जाएगा, आपको बस आना है हमारी कंपनी में करना है। अगर आप ऑनलाइन सर्विसिंग भी करना चाहें या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहें तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। 30% पेमेंट आपको मात्र करना होगा, 30% पेमेंट से हम आपकी मशीन निकाल देंगे, रेस्ट जो बच जाता है 70% वो आपको तब करना होगा जब मशीन आपका आपके घर पहुंच जाएगा, आपके नियर बाय ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाएगा। 70% पेमेंट करके आप अपना मशीन उठा सकते हैं और अपना घर बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारी कंपनी विजिट करना चाहें तो आप आ सकते हैं ASP इंजीनियरिंग नांगली रेलवे मेट्रो स्टेशन के नियर बाय सोनिया हॉस्पिटल, आपको उसके बगल में गुलशन पार्क नाम की गली जा रही है, आपको वहाँ आना होगा, आपको हमारा बोर्ड दिख जाएगा, आप आइए हमारी कंपनी विजिट कीजिए। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप कंपनी विजिट करेंगे आपको लाइव डेमो मिल जाएगा, आपको हमारी सारी मशीन दिखाई जाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली हो या कोई बिजनेस आइडिया आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।